हनुमानगढ़ से बड़ी खबर है, जहां 10 साल की बच्ची के साथ गैंगरेप की घटना हुई है। पीड़िता के जीजा समेत तीन लोगों ने रेप किया है। महिला थाना में परिजनों ने एफआईआर दर्ज करा दी है। पॉक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज हो गया है। बाल कल्याण समिति ने पुलिस को पत्र भेजा था। सीडब्ल्यूसी की पूछताछ में पीड़िता ने जानकारी दी थी 10 साल की बच्ची के साथ गैंगरेप हुआ, मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। सीडब्ल्यूसी की पूछताछ में पीड़िता ने पूरी आपबीती सुनाई थी। बाल कल्याण समिति ने पुलिस को पत्र लिखा था, जिसके बाद अब शिकायत सुनी गई और एफआईआर हो गई है। 10 साल की बच्ची के साथ गैंगरेप हुआ है। हनुमानगढ़ से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पीड़िता के जीजा पर आरोप है, उनके साथ तीन अन्य लोगों पर भी गैंगरेप का आरोप लगा है। 10 साल की मासूम के साथ जघन्य अपराध हुआ है, गैंगरेप किया गया है। फिलहाल पॉक्सो और जेजे एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। बाल कल्याण समिति की ओर से पुलिस को चिट्ठी लिखी गई थी, शिकायत पर मुकदमा दर्ज हुआ है। 10 साल की बच्ची के साथ गैंगरेप की यह घटना सामने आई है, सनसनीखेज घटना। हनुमानगढ़ से ये बड़ी खबर है। सीडब्ल्यूसी हनुमानगढ़ के द्वारा हमें एक लेटर प्राप्त हुआ था, जिसमें उन्होंने बताया था कि करीब 10 साल की एक बच्ची को हमें मिली है, जिससे हमने पूछताछ किया तो उसने बताया कि मेरे साथ कुछ गलत हुआ है, जिस पर उसको बच्ची को उन्होंने सुरक्षा सखी सेंटर हनुमानगढ़ में दाखिल करवा दिया। उसके बाद में पुलिस द्वारा एक स्पोर्ट पर्सन की नियुक्ति करवाई गई, जिसने बच्ची को अपने संरक्षण में लिया। उसके पश्चात जो स्पोर्ट पर्सन नियुक्त हुआ था, उसने रिपोर्ट दी कि बच्ची के साथ जो है हनुमानगढ़ के ही लखन और उसके दो भाइयों ने कुछ गलत किया है। उस रिपोर्ट पर हमने मुकदमा दर्ज कर लिया। मुकदमा हमने पोक्सो एक्ट में और आईपीसी और जेजे एक्ट में दर्ज किया। दर्ज करके तफ्तीश जो इसकी है वो श्री अरुण कुमार जी आरपीएस उनके द्वारा की जा रही है। आरोपियों की दस्तियाबी के प्रयास किए जा रहे हैं। हाल ही में बाल कल्याण समिति हनुमानगढ़ के समक्ष एक मामला सामने है, जो बहुत गंभीर मामला है। एक नाबालिग छोटी बच्ची के साथ उसके जीजा द्वारा लैंगिक उत्पीड़न का मामला सामने है। वो बच्ची के माता पिता थे नहीं, वो अपनी बहन और जीजा के यहाँ रहती थी, और बच्ची के साथ ऐसा दुर्व्यवहार सामने आने के बाद बाल कल्याण समिति ने तुरंत एक्शन लेते हुए महिला थाने में इस मामले के संबंध में रिपोर्ट दर्ज करवा दी है, और बच्ची का मेडिकल भी हो गया, उसके लिए स्पॉट पर्सन भी नियुक्त कर दिया गया है बाल कल्याण समिति द्वारा, और शीघ्र ही दोषियों को सजा मिलेगी।